गर्मी रहता है इसमें। देखिए कितना बढ़िया प्रिंट आया, देखिए बहुत ज़्यादा चलता है ये गिफ्टिंग में अभी आजकल। हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत, मेरा चैनल यूनिक आइडिया में आपको स्वागत है। हम अभी तो बात कर रहे हैं सब्लिमेशन प्रिंटिंग के बारे में। ये शायद ये सब्लिमेशन प्रिंटिंग का 8वां वीडियो है। अगर आप पहले वाला वीडियो नहीं देखे तो मेरे प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सब्लिमेशन रिलेटेड हर कुछ बात हम बोले पहले सारे वीडियो में। आप पहले वीडियो देखेंगे फिर जाकर पता लगेगा कि सब्लिमेशन प्रिंटिंग है क्या, सब्लिमेशन प्रिंटिंग में क्या क्या यूज होता है, क्या क्या प्रिंट हो सकता है, कौन कौन सा मशीनरी यूज होता है, ये सब आपको जानने के लिए वो पहला सारा वीडियो देखना पड़ेगा। तो प्लीज़ आप जाकर मेरा पहला वीडियो देख सकते हैं, सब मेरा प्ले लिस्ट में है। आज हम बात करेंगे कॉफ़ी मग प्रिंट की। ये ऐसा आता है कॉफ़ी मग प्लेन में, आज हम इसको प्रिंट करके बताएंगे। ये बहुत ज़्यादा चलते हैं आजकल गिफ्टिंग में, चाहे शादी में हो, बर्थडे में हो, बहुत ज़्यादा चलते हैं। ब्रांडिंग में भी, जो जहाँ पे भी कुछ ऑफिस होता है या बड़े बड़े शोरूम में भी, बैंक में भी, हर कोई जगह पे ब्रांडिंग करने के लिए उनका लोगो या उनका कंपनी का नाम हो या ऑफिस का नाम हो, इसमें प्रिंट करके भी ऑफिस में रखते हैं क्योंकि उनका ब्रांडिंग होता है। तो आज हम इसको प्रिंट करके बताएंगे। बहुत ज़्यादा चलने वाला ये प्रोडक्ट है क्योंकि सबसे पहले आता है मोबाइल कवर का, मोबाइल कवर बहुत ज़्यादा चलता है। इसके बाद ये आता है कॉफ़ी मग का, कॉफ़ी मग का प्रिंटिंग बहुत ज़्यादा होता है। मतलब आप सोच लो कि और कोई जो टी शर्ट हो गया, कुशन हो गया, उससे ज़्यादा ही कॉफ़ी मग का प्रिंट होता है। तो हम आपको पूरा प्रोसेस करके बताएंगे कॉफ़ी मग कैसे प्रिंट होता है, क्या टेम्परेचर रहता है इसमें, क्या टाइमिंग रहता है। पहले जो भी टी शर्ट प्रिंटिंग किए थे हम, या मास्क प्रिंट किए थे या कुशन प्रिंट किए थे, उससे कुछ अलग प्रोसेस है इसका। तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत करिए, फिर जाकर आपको पता लगेगा कि ये प्रिंटिंग कैसे हो रहा है। आप हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत करिए। आज हम बताएंगे कि कॉफ़ी में कैसे प्रिंट होता है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि मुझे सपोर्ट मिलेगा। मैं आपके सामने मेरे चैनल में हर यूनिक प्रोडक्ट आपके सामने लेकर आता हूँ, क्या यूनिक प्रोडक्ट है, कैसे प्रिंट होता है, हर कुछ यूनिक बात आपको बोलने की कोशिश करता हूँ। तो मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को लाइक करिए। दोस्तों आज हम ये कॉप प्रिंट करके बताने वाले हैं कि कॉप कैसे प्रिंट होते हैं। गिफ्टिंग का कॉप है, बहुत ज़्यादा चलता भी है आजकल, बर्थडे में या एनिवर्सरी में हो या शादी में हो, ये कॉप बहुत ज़्यादा प्रिंट होता है, बहुत ज़्यादा चलता है मार्केट में। सबसे ज़्यादा है ये टी शर्ट्स, कुशन या मोबाइल कवर से कॉप का ज़्यादा सेलिंग है। ये है, आज हम आपको मशीन में बताते हैं कि क्या टेम्परेचर रहेगा, क्या टाइमिंग रहेगा। मशीन ऑन करते हैं, इसमें जो टेम्परेचर रहता है सेम रहता है, मगर टाइमिंग थोड़ा अलग रहता है। टेम्परेचर हमारा P1 जो 200 है सेम है, और टेम्परेचर जो टाइमिंग है 80, हम इसको 240 करते हैं, 4 मिनट का टाइमिंग रहेगा इसमें। ध्यान रखिए टेम्परेचर 200 और 240 सेकेंड, मतलब 4 मिनट। एंटर करते हैं, अभी हम फिर से चेक करते हैं। P1 टेम्परेचर 200, P2 टाइमिंग 240 सेकेंड। अभी तैयार है, मशीन तैयार है हमारा। ये कप हमारे पास डिजाइन करके पहले से रखा हूँ, एक डिजाइन हम आज इसको प्रिंट करने वाले हैं। पहले इसको कटिंग कर लेते हैं। ये भी सब्लिमेशन पेपर है और सब्लिमेशन इंक है, बस थोड़ा सारे कुछ सेम है। मशीन में हम जो पहले बोल रहे 5-1 मशीन, 5-1 मशीन का फ्लैट मशीन ये था, ये कॉफ मशीन है। तो ये 5-1 में एक ए हो गया एक नंबर, एक दो ए हो गया दो नंबर, अभी दो चला गया और अभी 3 बाकी है। हम 3 के बारे में बात करेंगे आगे धीरे धीरे। आप बस हमारे वीडियो हमारे साथ बने रहिए, हमारे वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम कटिंग करके सेट कर दिए हैं, अभी टेप लगाते हैं। ध्यान रखिए जो 5-1 हीट प्रेस मशीन होता है वो 5 तरह का होता है, जिसमें 5 पार्ट आता है, 5 चीज़ करने के लिए। हम अभी तक फ्लैट मशीन के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें टी शर्ट, कुशन हो गया, मास्क हो गया, प्रिंट होता था। अब ये इसका पार्ट 2 है, जिसमें कप प्रिंट होता है।
इंक सेम है सब्लिमेशन इंक और पेपर सेम है सब्लिमेशन पेपर, मगर पहले मैं बोलता हूँ ध्यान रखिएगा, इसमें टाइमिंग रहेगा 4 मिनट का, 240 सेकेंड का, टेम्परेचर 200 का रहेगा। अभी 200 पहुंच गए, हम इसको लगाते हैं। देखिए ध्यान से, ये जो है ये प्रेस करने के लिए, ये जो है इसका फ्रेम, हम इसको फ्रेम के अंदर धीरे से डालते हैं। ध्यान रखिए जो फ्रेम का साइज है वो कॉप बीच में होना चाहिए। अभी इसको प्रेस करते हैं, ये कॉप लग गया। अभी हम एंटर करते हैं, टाइमिंग स्टार्ट हो गया, 240 का सेकंड है और 4 मिनट का, 4 मिनट के बाद बीप साउंड देगा, फिर हम आपको एक कॉप निकाल के बताते हैं। अभी और 17 सेकंड रह गए, 240 सेकंड का टाइमिंग था हमारा, मतलब 4 मिनट कॉप, एक कॉप के लिए 4 मिनट टाइम लगता है। जैसे टी शर्ट के लिए 1 मिनट या 80 सेकंड, मास्क के लिए 80 सेकंड, कॉटन टी शर्ट के लिए 60 सेकंड, ऐसे टी कॉप के लिए 4 मिनट में 240 सेकंड। कॉप तैयार है हमारा, मशीन बीप साउंड दिया, इसमें बंद करते हैं। देखिए कप बहुत गर्म होगा, ध्यान से, क्योंकि जो हैंडल है वो तो नहीं प्रेस किए थे हम, तो हैंडल थोड़ा ठंडा होगा, ध्यान से और कहीं भी हाथ मत लगाइए, बहुत गर्म होता है, कम से कम 15-20 मिनट तक इसका या आधा घंटे गर्मी रहता है इसमें। देखिए कितना बढ़िया प्रिंट आया, देखिए बहुत ज़्यादा चलता है गिफ्टिंग में अभी आजकल। हम पहले बोलते हैं हीट प्रेस 5-in-1 मशीन, इसमें 5 कॉम्बो आता है, एक है फ्लैट मशीन, एक है कॉप मशीन, भी दो के बारे में हम बता दिए, अभी और 3 के बारे में हम बताने वाले हैं आगे। आप वीडियो को देखते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हम आगे भी सब्लिमेशन के बारे में और कुछ बहुत कुछ बात करेंगे, और बहुत कुछ है सब्लिमेशन के बारे में बोलने के लिए, तो हम आप हमारे साथ बने रहिए। आज हम आपको पूरा प्रोसेस बताए कि एक कॉफ़ी में कैसे प्रिंट होता है, क्या टेम्परेचर रहता है, क्या टाइमिंग रहता है। पहले जो भी टी शर्ट या कुशन हो मास्क, उसमें जो प्रिंट होता है उसका टाइमिंग भी अलग था, मगर इसका टाइमिंग अलग है। इसको 4 मिनट के लिए हमको मशीन में लगाना पड़ता है। पहले हम बोलते हैं 5-in-1 हीट प्रेस मशीन में सारे प्रिंट होता है, तो 5 का कॉम्बो आता है। हम पहले जो यूज़ किए थे अभी तक वो फ्लैट मशीन था, उसके और चार बाकी था, तो हम आज बताइए आपको कॉफ़ी मग के बारे में। तो 2 सेगमेंट पूरा हो गया हमारा, अभी और भी 3 सेगमेंट है, वो हम आगे वाले वीडियो में बताने वाले। 5-in-1 कॉम्बो मशीन का मतलब ये है कि 5 तरह का इसमें पार्ट है, जो एक पार्ट हम फ्लैट मशीन के बारे में बात कर चुके हैं पहले से, और आप नहीं देखें तो आप जाकर मेरा पहला वाला वीडियो देख सकते हैं। और आज बात की है कॉफ़ी मग का, और एक सेगमेंट चला गया, अभी और 3 सेगमेंट बाकी है। आगे जितने भी वीडियो बनाते रहूँगा तो आगे धीरे धीरे करके मैं आपको बताता रहूँगा कि आगे जो 3 सेगमेंट है वो क्या है और इसमें क्या क्या प्रिंट होता है। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल को